हाय दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MLM क्रिप्टो कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से फॉरेक्स वीकली फोरकास्ट करने वाले हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के किसी चार पेयर्स पे, किसी फॉरेक्स करेंसी के किसी चार पेयर्स पे दोस्तों हम एनालाइज करेंगे और दोस्तों बताएंगे कि दोस्तों किस करेंसी की क्या ट्रेंड चल रही है। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो अगली बार फॉरेक्स फोरकास्ट किया था, जो फॉरेक्स वीकली फोरकास्ट जो होती है, उस सबसे दोस्तों मैंने जो बताया था आपको यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह का मोमेंट यहाँ पर देखने को मिला और यूरो यूएसडी डाउन में गई। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ तक आने के बाद आप यहाँ से बाय ले सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ तक आने के बाद यूरो यूएसडी में का बहुत अच्छा कैंडल देखने को मिला है जो कि बाय का सिग्नल हमें यहाँ से देता है। तो सिंपल दोस्तों, अब जो यूरो यूएसडी की ट्रेंड चलने वाली है वो जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों, ये बाय की ही स्टार्ट होगी। वीडियो पूरी करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि दोस्तों हमें मोटिवेशन मिल सके और दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो आपके लिए बना सके। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ फॉरेक्स फोरकास्ट के बारे में। तो यूनिवर्सिटी की दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक अच्छा कैंडल हमें देखने को मिला है। तो यूनिवर्सिटी दोस्तों जो नेक्स्ट टारगेट हो सकती है वो बिल्कुल दोस्तों इसे छू सकती है। तो 1.1160 ये बिल्कुल दोस्तों इसका टारगेट हो सकता है। तो सिंपल दोस्तों, आप यूनिवर्सिटी का आप ट्रेड करना चाहते हो, ट्रेड करते हो तो दोस्तों आप बाय में ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट में रहेगी। अभी दोस्तों इसकी प्राइस चल रही है 1.11216, तो कम से कम दोस्तों आपको 40 से 50 पिप्स तक आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बाय देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बाय में ट्रेड करेंगे ज़्यादा बेटर होगी। दोस्तों ये वन डे का चार्ट है और अब भी दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं कि वन डे का चार्ट ओपन कर सकते हैं और दोस्तों जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसे आप आसानी से आप समझ सकें। तो दोस्तों वन डे का चार्ट आप ओपन कर दें और दोस्तों देखिए कि किस तरह से क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दोस्तों क्लियर आपको बता रहा हूँ कि 1.11216 चल रही है अभी और आपको दोस्तों यहाँ कम से कम 50 पिप्स आपको देखने को मिलेगी, प्रॉफिट देखने को मिलेगी। कम से कम दोस्तों 40 से 50 पिप्स आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट जो टारगेट मैं बता रहा हूँ दोस्तों वो है 1.11665 यूरो यूएसडी। तो दोस्तों बाय में ट्रेड करिए, हो सकता है आपको प्रॉफिट अच्छा मिले। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं अपने AUD USD पे। तो AUD USD के आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कैंडल हमें यहाँ भी देखने को मिला है वन डे के चार्ट में। ये भी दोस्तों वन डे के चार्ट है और वन डे के चार्ट में दोस्तों AUD USD काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, अच्छा मोमेंट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों AUD USD के नेक्स्ट टारगेट जो हम बता सकते हैं वो दोस्तों यहाँ तो जा सकती है 6960, मतलब दोस्तों कम से कम यहाँ से आपको 40 से 50 पिप्स यहाँ भी दोस्तों आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों AUD USD के भी चांसेस है कि ये बाय में जाए और सेल में जाने के चांसेस दोस्तों अभी बहुत कम हो चुके हैं। AUD USD दोस्तों लगातार कुछ दिनों से सेल में थी, लेकिन दोस्तों अभी इसकी काफ़ी अच्छा कैंडल देखने को मिली है वन डे की। हो सकता है दोस्तों कुछ फ्लक्चुएशन करे, हो सकता है कुछ यहाँ तक आई कम से कम 10-20 पिप्स तक नीचे आ सकती है। तो 10-20 पिप्स से नीचे आ सकते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है इसे बाय करने के लिए। तो दोस्तों मार्केट जब ओपन होती है तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर आप वेट कर दे, जैसे ही दोस्तों 10-20 पिप्स नीचे आती है तो दोस्तों यहाँ से आप इसे बाय में से ट्रेड कर सकते हैं। तो AUD USD तो बाय ट्रेंड चल रही है, तो आप बाय में अगर ट्रेड करते हैं तो बेटर होगी और आपको प्रॉफिट भी अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों ये भी वन डे की चार्ट है, आप वन डे की चार्ट ओपन कर लें जिससे कि दोस्तों आपको समझ में आए। अब चलिए दोस्तों आते हैं GBP USD में। दोस्तों मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीक में कि EURUSD GBP USD डाउन ट्रेड, तो दोस्तों डाउन ट्रेड ही चली थी। थोड़ा सा दोस्तों फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला था, लेकिन दोस्तों होता क्या कि जब भी दोस्तों मैं ट्रेंड बताता हूँ तो होता क्या कि दोस्तों अक्सर कोई भी दोस्तों एक्सपर्ट आपको अगर ट्रेंड बताते हैं तो होता है क्या कि थोड़ा सा दोस्तों हमें फ्लक्चुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों फ्लक्चुएशन से हमें घबराना नहीं है, बल्कि जो ट्रेंड चलती है वो ट्रेंड वापस आती है। तो दोस्तों GBP USD की सेल ट्रेंड चल रही थी तो थोड़ा सा हमें दोस्तों यहाँ पर बाय देखने को मिला, इसके बाद दोस्तों सिंपल वो अपनी सेल में आ चुकी है। तो यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा GBP USD जो है वो कन्फ्यूजन वाली हमें दिखाई दे रही है। यहाँ से दोस्तों कुछ भी हो सकता है आपको जो मोमेंट है यहाँ से बाय देखने को मिले, या फिर दोस्तों अपने इस सपोर्ट लेवल को टच करें। तो आपके लिए दोस्तों GBP USD का ट्रेड करने का सबसे अच्छा मौका ये है कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये दोस्तों 4 आवर का चार्ट है, आप भी दोस्तों 4 आवर का चार्ट ओपन कर लें और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपल दोस्तों आप मार्केट को अगर यहाँ तक आती है तो ये आपके लिए गोल्डन चांस हो सकती है और दोस्तों आप यहाँ से बाय कर ले सकते हो। और अगर दोस्तों यहाँ से ये सीधा बाय में जाती है तो हो सकता है मार्केट जो है यहाँ तक आने के बाद ये दोस्तों रेसिस्टेंस काम करे और फिर दोस्तों यहाँ तक सेल में लेके आए। तो आपको दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। GBP USD में अगर आप ट्रेड करते हो GBP के पेयर्स में तो थोड़ा सा दोस्तों आप वेट कर ले, मैक्सिमम चांस है 50-50 दोस्तों मान जाए तो चांस है कि भाप की यहाँ से इस लेवल को टच करने की या फिर दोस्तों यहाँ से सीधा बाय जाने की। जहाँ तक मुझे लग रहा है तो मुझे दोस्तों यहाँ लगता है कि यहाँ तक दोस्तों इस मोमेंट को ये टच करेगी, GBP USD इस मोमेंट को टच करेगी, इसके बाद दोस्तों सीधा बाय में जाएगी। तो इस मोमेंट को दोस्तों अगर टच करती है तो सिंपल दोस्तों यहाँ से बाय लें। अभी दोस्तों इसकी प्राइस चलती है 1.3060, तो ये जो दोस्तों ये
इसकी सपोर्ट लेवल है ये दोस्तों कम से कम हो जा रही है आपको 1.3020। तो अगर दोस्तों इस लेवल को ये टच करती है तो सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पर बाई ले सकते हैं विथ ए स्टॉप लॉस। लेकिन दोस्तों आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा और 99% दोस्तों चाह सके यहाँ से दोस्तों बाई की हो। तो GBPUSD दोस्तों हो चुकी है, अब चलते हैं दोस्तों अपने गोल्ड में। और गोल्ड में दोस्तों आपने देखा था काफ़ी अच्छा फ्लक्चुएशन इस वीक देखने को मिली। और इस वीक दोस्तों ये जो लास्ट इसकी जो प्राइस थी ये कम से कम 1611 टच कर दी। तो दोस्तों बहुत बड़ा यहाँ रेंज देखने को मिलता है 1611 टच करना। लेकिन दोस्तों ये सब हम भी जानते हैं कि जब भी वर्ल्ड में से इंटरनेशनल कुछ तनाव वगैरह आती है तो इस तरह का हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के कारण जो मिडल ईस्ट में जो तनाव चल रहे हैं इसके कारण गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है, ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप स्टॉप लॉस लेके जरूर चलें। और गोल्ड में दोस्तों अगर इक्विटी आपकी कम है तो ट्रेड करने से थोड़ा बचें। तो ये दोस्तों XAUSD है दोस्तों, और यहाँ पर हमें वन डे के अगर चार्ट ओपन करूँ तो काफ़ी अच्छा सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों एक बाय का परफेक्ट मोमेंट फिर से हमें देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये जो बाय का जो मोमेंट हो ये यहाँ तक जाए। तो अभी 1562 चल रही है तो मैक्सिमम चांस है दोस्तों 90% चांस है कि ये 1572-73 तक को टच करें। तो यहाँ से दोस्तों आप बाय चल सकते हैं और 1572-73 आपका टारगेट हो सकता है। लेकिन दोस्तों 1572-75 जाने के बाद मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए और आपका एक सेलिंग जोन भी बन सकता है यहाँ से 1585-86 हो सकता है कि आपको एक रेसिस्टेंस देखने को मिल जाए। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर रुके क्योंकि आपको जिसकी जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस होती है वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जिसे बोला जा सकता है वो है 1611। तो 1611 से आप यहाँ पर सेल में ले सकते हैं और 1585-86 से भी सेल में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आपको कैंडल देखनी होगी कि कैंडल में क्या बन रही है, किसी तरह का अगर डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप वगैरह कुछ बनती है तो दोस्तों आप यहाँ से सिंपल आप सेल ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा वेट करनी है आपको। अब बाई की मोमेंट भी यहाँ पर अच्छी दिखा रही है तो कम से कम दोस्तों चांसेस बनते हैं कि 1572 टच करे और 1572 के बाद 1586 भी टच करे। अगर 1586 टच करते तो छोटा सा आप सेल ले सकते हैं और 1611 का टच करते हैं तो यहाँ से भी आप सेल ले सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर हमारे एनालाइज के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो आपको हो सकता है कि अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग के कुछ सिग्नल भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ जो काफ़ी अच्छी सिग्नल होती है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम के चैनल की लिंक दी हुई है, आप सिंपल दोस्तों में क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले जहाँ दोस्तों आपको टोटल जितने भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के सिग्नल्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों एक्यूरेसी 80-90% एक्यूरेसी। तो दोस्तों आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जहाँ दोस्तों आपको सारी सिग्नल प्रोवाइड की जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।